मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान को तेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले घोघरा की देवी को प्रणाम कर बाघेली भाषा में सभा में मौजूद लोगों को भी प्रणाम किया। बाघेली भाषा में प्रधानमंत्री की बोली सुन लोग भी भौचक्के रह गए। सीधी के मांडारिया बाईपास में आयोजित चुनावी जनसभा में मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित सांसद रीति पाठक, राज्यसभा सांसद अजय प्रताप के साथ सीधी और सिंगरौली जिले के प्रत्याशी भी मौजूद रहे, जहां प्रधानमंत्री ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और आम जनों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं। पंचमे का प्रणाम करित है, सबान भाई बहनी का नमस्कार। मैम, एमपी के मन में मोदी क्यों है भाई, भाजपा क्यों है, ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कांग्रेस ने केंद्र में हमारे यहाँ सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। लेकिन आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है, आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं, उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, याद है ना? बोले आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे, याद है? लूटते थे नहीं लूटते थे, करोड़ों रुपए लूटते थे नहीं लूटते थे? आपका हक का पैसा था नहीं था? आपकी मेहनत का पैसा था नहीं था? आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा था नहीं था? लूट लिया। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। कांग्रेस का इतिहास डगर डगर में झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और बिल्कुल चेहरे पर कोई असर ही नहीं, इतना आराम से झूठ बोल लेते हैं। उन्होंने गरीबों से जितना झूठ बोला है ना पिछले 50-60 साल में, आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गरीबों से झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला, कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के वादे किए, झूठ बोलने की हिम्मत देखी। और उनको लगता है देश की जनता पहले की तरह ऐसी है, भली बोली है, अब तो मेरे देश का नौजवान जाग चुका है, उसके मोबाइल में सारी जानकारी होती है। वो परिवार को कहता है ये कांग्रेस वाले झूठे हैं,